तो आज हम बनाएंगे पोहे की एक नई रेसिपी जो बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनता है। और ये आप सुबह के समय या फिर शाम के समय किसी भी टाइम आप इसको बना कर खा सकते हैं। पोहा इस तरह से मोटा या पतला भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, से टेस्ट में वही टेस्ट आएगा। इस बारे में सबसे पहले हम पोहे को अच्छे से उतार करके उसको धो देंगे पानी से। सबसे पहले हम दो बाउल हम पोहे लेंगे इस तरह से। अब हम इसको छलनी की मदद से पोहे को साफ पानी से धो देंगे और जो धोने से जो उसको जो गंदगी होती है धूल वो निकल जाते हैं। जैसे हम अच्छे से साफ पानी से धोएंगे, हाथों के समय ही थोड़ा ये जो पोहे होते हैं थोड़ा नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको मैंने 2 मिनट के से छोड़ दी थी ताकि पोहे जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो इसकी गंदगी है वो भी निकल जाए। और इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं पोहे थोड़ा सॉफ्ट भी हो गए हैं, अच्छे साफ भी हो गए हैं। अब इसमें हम एक बार सूजी डाल देंगे। सूजी मोटा या पतला कोई भी चलेगा, इसे हम डालते हैं। अब इसमें हम एक बाउल दही डालेंगे। दही वाला थोड़ा खट्टा है इसी मैंने एक बाउल डाली है। अगर पास दही थोड़ा मीठा हो तो 1.5 बाउल आप दही डालें। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब ये ड्राई लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। आधा बाउल हम पानी डालेंगे इसमें। अब इसको भी अच्छे से डाल करके मिला लेंगे ताकि जो सूजी और पोहे अच्छे से मिक्स हो जाए दही के साथ। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि जो पोहे हैं और सूजी अच्छे से फूल जाए। ऐसे 5 से 7 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। अब ये 5 से 7 मिनट हो चुका है, अच्छे से पोहे और जो सूजी है वो भी अच्छे से फूल चुके हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि अच्छे से फूल चुका है। अब इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप पेस्ट बनाते इसमें थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो पेस्ट है अच्छे से बन सके। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पेस्ट बन चुका है ये। और इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं पतला इसमें बारीक पेस्ट बन चुका है। अब इसे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ ये भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्ची कुटी हुई। अब इसे थोड़ा सा खाने सोडा डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल सके। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो सोडा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पोहे के साथ। इसको अच्छे से मिला लेना इस तरह से। हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको भी हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि सोडा और पोहे अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी 5 से 7 मिनट हो चुका है, इसे ठोक देख लेते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी ना पतला है ना मोटा घोल है, बिल्कुल परफेक्ट घोल हुआ है। इसे तरह से हम फिर से इसको मिला लेंगे। जैसे 4% अच्छे से मिलाने की अच्छी तरह से ताकि हम जब चीला बनाए पोहे का तो बहुत ही अच्छे से बने। और आने के सबसे पहले हम नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें हम 1/2 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें तेल ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, पोहे का तेल से ही अच्छे से बन जाता है ये। अब जो पोहे के हैं दो वो हम डाल देंगे इसमें 1/5 चम्मच। और इसको हल्के हाथों से गोल गोल घुमा लेंगे। अच्छे से गोल घूम गया है ये, अच्छे से गोल गोल घुमाना है।
और इसको पकाने के लिए 2 से 3 मिनट ही पकाना है और कम से आज ही पकाना है इसको, ताकि कच्चा ना रहे और जले भी नहीं, अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से कलर आ चुका है इसमें, थोड़ा सा हम और भी डाल देंगे दिखाएंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसको पलट देंगे। पलटा गया है और कितना अच्छा कलर आ गया है। और दूसरा साइड भी उसी तरह से हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि दो साइड में दोनों साइड अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे। और बहुत जल्द बन के तैयार भी होता है और बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। और इसको हम निकालते हैं और दूसरा वाला भी इसी तरह से बनाऊंगी। थोड़ा सा तेल डालना है, एक चम्मच कलछी इसमें डालेंगे, सॉरी 1 चम्मच, इसी तरह से हम गोल घुमा लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। एक साइड हमें 2 से 3 मिनट लग सकता है और दूसरा साइड भी 2 से 3 मिनट लगेगा पकाते समय। अब बहुत ही हेल्दी होता है ये, अब बहुत जल्द बनकर तैयार भी होता है, बहुत आसान तरीका है बनाना, ज़्यादा झमेला नहीं होता ये बनाते समय। मैंने इसका जरूर कीजिएगा मुझे। इसी तरह से बाकी सारा पोहे का चीला हम बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पोहे का चीला बन के तैयार हो चुका है। अब इसे धनिया चटनी या टमाटर चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।